हेलो ऑल, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलटी इंटरव्यू क्वेश्चंस विद आंसर्स। अभी तक मैं आपको क्वेश्चंस शेयर करता था, आज मैंने आंसर भी शेयर करे हैं इस वीडियो के अंदर, क्योंकि मेरे पे बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी लोगों की कि मैं आंसर भी शेयर करूं। तो इस वीडियो को मैंने 5 क्वेश्चंस आपके लिए निकाले हैं विद आंसर्स। थोड़ा डिटेल में हम जाएंगे आज इनके अंदर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है व्हाट स्पीड एलटी ऑफर्स, एलटी में स्पीड कितनी आती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डाउनलिंक पीक रेट्स जो होती हैं वो एलटी की आप बोल सकते हैं 100 Mbps, एंड अपलिंक पीक रेट्स आप बोल सकते हैं 50 Mbps। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है एलटी यूई प्रोटोकॉल स्टैक स्पेसिफिकेशन। अब देखिए, एलटी के अंदर एक प्रोटोकॉल स्टैक होता है यूई का, उसकी कुछ लेयर्स होती हैं जिनकी स्पेसिफिकेशंस पूछी जाती हैं। तो जो मैक लेयर है उसकी स्पेसिफिकेशन है 36.321, आरएलसी रेडियो लिंक कंट्रोल लेयर है उसकी स्पेक है 36.322, और जो पीडीसीपी लेयर है पैकेट डेटा कन्वर्जेंस प्रोटोकॉल लेयर, उसका जो स्पेक है वो है 36.323। आप इसको डाउनलोड करिए और इसको एक बार गो थ्रू कीजिए, ये स्पेसिफिकेशंस पूछी जाती हैं इंटरव्यू के अंदर प्रोटोकॉल टेस्टिंग के। आरआरसी रेडियो रिसोर्स कंट्रोल 36.331, नैस नॉन एक्सेस स्ट्रेटम 24.301। अब ये हमारी जो ये 5 लेयर होती हैं प्रोटोकॉल स्टैक के अंदर होती हैं, तो इसकी मैंने आपको ये स्पेसिफिकेशंस बता दी हैं, ये पूछी जाती हैं इंटरव्यू के अंदर। अब देखिए, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल प्लेन एंड यूजर प्लेन प्रोटोकॉल स्टैक। अब आप देखिए, मैंने इसके अंदर कुछ दो प्रोटोकॉल स्टैक दिखाए हैं, एक है यूई और एमएमई के बीच में जिसको हम कंट्रोल प्लेन प्रोटोकॉल स्टैक बोलते हैं और सिग्नलिंग भी बोलते हैं इसको, और एक मैंने दिखाया है यूई और पी गेटवे के बीच में, इसको बोलते हैं यूजर प्लेन प्रोटोकॉल स्टैक। अब जब डेटा ट्रांसफर होता है तो यूजर प्लेन पिक्चर में आता है, जब सिग्नलिंग होती है या कंट्रोल कनेक्शंस बनते हैं तब कंट्रोल प्लेन पिक्चर में आता है। अब देखिए, ये यूई है, L1 मैक आरएलसी पीडीसीपी आरआरसी नैस, ये यूई का 5 लेयर्स हैं। फिर है ई नोड बी, L1 मैक आरएलसी पीडीसीपी आरआरसी L1 L2 आईपी एससीटीपी और S1 AP। अब देखिए, जो ई नोड बी है उसके अंदर नैस लेयर नहीं आती, नैस लेयर जो है वो एमएमई के अंदर प्रेजेंट होती है। इधर आप देखिए, तो L1 L2 आईपी एससीटीपी S1 AP नैस। तो ये जो हमारा है कंट्रोल प्लेन का प्रोटोकॉल स्टैक है, इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप बताइए ई नोड बी के अंदर नैस लेयर होती है या नहीं होती। तो आप यहाँ देखेंगे नैस लेयर नहीं होती, नैस लेयर होती है हमारी एमएमई के अंदर, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब है नीचे हमारा यूईपी गेटवे यूजर प्लेन प्रोटोकॉल स्टैक। अब इसके अंदर देखिए, आरआरसी और नैस लेयर इस स्टैक के अंदर आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये डेटा के लिए स्टैक यूज होता है, यूजर प्लेन डेटा के लिए। अब यहाँ पे L1 मैक आरएलसी पीडीसीपी आईपी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन जो भी आप YouTube चला रहे हैं तो वो एक एप्लीकेशन है, वो आईपी को हिट करेगा, फिर पीडीसीपी पे आएगा, आरएलसी मैक L1, इधर से L1 मैक आरएलसी पीडीसीपी जीटीपीयू यूडीपी, इस तरह से फ्लो होता है, ये फ्लो का स्ट्रक्चर है। तो अब आप देखिए, यूई से ई नोड बी से सर्विंग गेटवे से पीडीएन गेटवे, तो ये हमारा यूजर प्लेन का स्टैक है। अब आप कंट्रोल प्लेन में देखिए, यूई टू ई नोड बी टू एमएमई, ये हमारा कंट्रोल प्लेन का स्टैक है। अब ई नोड बी और सर्विंग गेटवे, इनके बीच में भी स्टैक होता है, जैसे कि यूई और ई नोड बी के बीच में होता है, और सर्विंग गेटवे और पी गेटवे इनके बीच में भी स्टैक होता है। तो ये जो पार्ट है ई नोड बी के, जो राइट साइड वाला पार्ट है, ये कोर नेटवर्क का पार्ट होता है, एमएमबी भी कोर नेटवर्क का पार्ट है। अगर आप इधर कंट्रोल प्लेन में देखें तो एक इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर यह समझने की कि यहां पे आप देखिए, जब भी कंट्रोल प्लेन इंटरेक्शन हो रहा है तो वहां पे जीटीपी प्रोटोकॉल पिक्चर में आ जाता है, जब डेटा के बारे में बात हो रही है, जब हम डेटा यूजर प्लेन में है तो जीटीपी यूजीपीआरएस टनलिंग प्रोटोकॉल यूज होता है, और नीचे ये इधर यूडीपी आईपी यूजर डेटा प्रोटोकॉल, ये आपको पता ही होगा जो नेटवर्किंग स्टैक होता है, नेटवर्किंग के अंदर यूज होता है, जैसे सीसीएनए का कोर्स होता है, कुछ होता है, वहां पे टीसीपी यूडीपी यूज होते हैं। और तो यहाँ पे यूडीपी और आईपी L2 एंड L1 लेयर, तो इधर भी सर्विंग गेटवे में जीटीपी यू यूडीपी आईपी, तो ये हमारा कोर नेटवर्क का स्टैक है। जो लोग कोर नेटवर्क के अंदर जॉब सर्च कर रहे हैं या वहां पे सीखना चाहते हैं, तो उनको ये सब जो इधर ई नोड बी से राइट साइड वाला स्टैक है, ये पता होना बहुत जरूरी है। नैस लेयर अगर आप कोर नेटवर्क की जॉब सर्च कर रहे हैं
तो आपको नेस लेयर अच्छे से आनी चाहिए, और इधर जीटीपी यू प्रोटोकॉल और जीटीपी सी भी होता है, कंट्रोल प्लेन में भी यूज होता है, इधर होता है वो। तो ये आपको, ये अब आपको पता चल गया ये कंट्रोल प्लेन है, ये यूजर प्लेन है, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस है, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स कंट्रोल प्लेन में नहीं है, कौन से यूजर प्लेन में नहीं है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन 3। आप देखिए एलटी आर्किटेक्चर तो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला क्वेश्चन आप किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे वो पूछेगा एलटी आर्किटेक्चर क्या है। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए इधर होता है हमारा यूई, अब उसमें सिम यू सिम, 3G और एलटी के अंदर यू सिम होता है और जीएसएम में सिम होता है, तो यूजर इक्विपमेंट में हमारा डिवाइस आ गया। अब यहाँ हो गया हमारा रेडियो इंटरफेस, ये मैं अभी आपको थोड़ा जनरल वे में बता रहा हूँ, चाहे वो 2G हो 3G हो 4G हो, वो इसी तरह से एक जनरल स्ट्रक्चर होता है, एक यूई होता है, एक एक्सेस नेटवर्क होता है और एक कोर नेटवर्क होता है। अभी एलटीई का आर्किटेक्चर हम इसके बाद देखेंगे, ये मैं आपको थोड़ा जनरलाइज बता रहा हूँ। अब यहाँ ई यूट्रान हो सकता है, यूट्रान हो सकता है, जिरैन हो सकता है, ये एक्सेस नेटवर्क में आते हैं, और इन दोनों के बीच में, यूई और एक्सेस नेटवर्क के बीच में रेडियो इंटरफेस होगा, और एक्सेस नेटवर्क और कोर नेटवर्क के बीच में इंटरफेसेज होते हैं, जैसे एक्सेस नेटवर्क एएन और सीएन कोर नेटवर्क, उसके बीच में भी इंटरफेसेज होंगे। अब जो हमारा कोर नेटवर्क है उसके अंदर आईएमएस हो सकता है, आपको पता ही आईएमएस इंट्रोड्यूस हुआ है, वोल्टी के लिए हम आईएमएस यूज करते हैं, सीएस डोमेन जो 2G 3G में यूज होता है, पीएस डोमेन 2G 3G में यूज होता है, जीपीआरएस, ईपीसी, ईपीसी हमारा कंप्लीट पीएस डोमेन में चलता है, तो इसलिए ईपीसी इसके अंदर ही उन्होंने डाल रखा है, और जीपीआरएस भी पीएस डोमेन में चलता है, और जो आईएमएस है हमारा वो भी पीएस पे ही चलता है, और इधर हो गए कॉमन एलिमेंट्स जो होते हैं। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, जो कि चाहे आप 2G में हो, चाहे आप 3G में हो, चाहे 4G में, ये आपको पता होना चाहिए, यूजर इक्विपमेंट, एक्सेस नेटवर्क और कोर नेटवर्क, ये तीन चीज से मिलके बनता है हमारा पूरा कंप्लीट आर्किटेक्चर। अब देखिए इधर कोर नेटवर्क की जॉब्स भी निकलती हैं, तो आपको इन पे फोकस करना है, अगर आप यूई साइड पे हो तो आपको इस पे फोकस करना है, अगर आप खाली जैसे आप सपोज एरिक्सन, नोकिया, हुआवे इनमें कर रहे हो, तो आपको ई यूट्रान मतलब ई नोड भी इस पे फोकस करना है। तो ये तीन एक तरह से डोमेन है, यूई साइड और इधर एक हमारा ई नोड भी साइड और एक हमारा कोर नेटवर्क साइड। कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं, वो हम बोलते हैं नेटवर्क साइड पे काम करते हैं हम, तो कुछ लोग बोलते हैं ऐसा। अब नेटवर्क साइड में भी दो चीजें, कि आप ई नोड भी पे काम करते हो या फिर आप कोर नेटवर्क पे काम करते हो, तो नेटवर्क साइड में दो चीजें, ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। और यूई साइड में तो हमारा यूई है ही, मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स जैसे सैमसंग हो गया, एप्पल हो गया, या जो भी लावा हो गया, माइक्रोमैक्स हो गया, जो भी कंपनीज है वो यूई साइड पे उन पे काम होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। जैसे ई नोड भी पे अगर आप काम कर रहे हो, तो यहाँ पे जॉब होती है जैसे एलटी ऑप्टिमाइजेशन होता है, एलटी डिजाइन प्लानिंग, ये यहाँ पे ई नोड भी, जैसे आपको साइटें लगानी है तो कैसे प्लान करेंगे आप, कौन से एरिया में लगाएंगे, अगर आपको किसी मॉल में साइट लगानी है तो वो सब ये लोग काम करेंगे। अब आप डिवाइस जैसे मोबाइल फ्लिपकार्ट से खरीदते हैं या अमेजोन से खरीदते हैं, तो वो सब यूई खरीदते हैं वहां से। एक्सेस नेटवर्क किसका है, जो हमारा टावर है वो नोकिया, हुआवे, एरिक्सन, ये इनका है। कोर नेटवर्क में भी जैसे सिस्को के कोर नेटवर्क में यूज होते हैं, कुछ सिस्को के प्रोडक्ट्स आते हैं, जेडटी के प्रोडक्ट्स आते हैं, अल्कटेल लूसेंट के आते हैं, तो बहुत सारी कंपनीज है जो कोर नेटवर्क में भी काम करती हैं। अब देखिए ये है हमारा एलटीई का आर्किटेक्चर, जैसे एलटीई यूई हो गया, इधर यूयू इंटरफेस होता है, दो ई नोड भी हैं, तो ई कॉम्बिनेशन ऑफ ई नोड भी हम उसे बोल सकते हैं, ई यूट्रान, इन दोनों के बीच में X2 इंटरफेस है, ई नोड बी और एमएमई के बीच में S1 एमएमई इंटरफेस, ई नोड बी और सर्विंग गेटवे के बीच में S1 यू इंटरफेस। अब ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि S1 इंटरफेस किस किस के बीच में होता है, तो हैं दोनों S1 ही, लेकिन एमएमई और ई नोड बी के बीच में S1 एमएमई और ई नोड बी और S1 यू के बीच में S1 यू इंटरफेस, सर्विंग गेटवे के बीच में S1 यू इंटरफेस, एमएमई और HSS के बीच में S6 ए इंटरफेस, एमएमई और एस गेटवे के बीच में S11 इंटरफेस। देखिए ये इंटरफेस आपको याद होने बहुत जरूरी है, कई बार ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो इंटरव्यूअर आपसे पूछता है और आपको पता नहीं होते, तो आपका इंटरव्यू वहीं गलत डायरेक्शन में चला जाता है, बहुत बेसिक बेसिक ये आपको इंटरफेस याद नहीं होते, वो पूछेगा कि एलटीई और ई नोड बी के बीच में बताओ, यू यू इंटरफेस आपको पता ही नहीं होगा, वो कहेगा यार इसको बेसिक इंटरफेस ही नहीं पता तो इसको और क्या पता होगा, दो ई नोड बी के बीच में इंटरफेस बताओ, आपको पता ही नहीं कि X2 इंटरफेस है, आप बोल दो सपोज S1 इंटरफेस है, तो X2 आपको पता होना चाहिए, तो
अब सर्विंग गेटवे और पीडीएन गेटवे के बीच में S1/S5 इंटरफेस। अगर आप होम नेटवर्क में हो तो इन दोनों के बीच में S5 इंटरफेस होगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है इंटरव्यू में, क्योंकि यहाँ S5 S8 लिखा होता है, अब किसी को पता ही नहीं इन दोनों में डिफरेंस। S5 तब यूज होगा जब आप होम नेटवर्क में हो तो S गेटवे और P गेटवे के बीच में S5 इंटरफेस, अगर आप रोमिंग नेटवर्क में हो, विजिटर नेटवर्क में हो, तो S8 इंटरफेस होगा S गेटवे और P गेटवे के बीच में। और इधर SDI इंटरफेस होता है जो IMS या IP नेटवर्क से आपको कनेक्ट करता है, SDI इंटरफेस, ये भी पूछा जाता है। और PDN गेटवे और PCRF के बीच में GX इंटरफेस, ये हमारा EPC है, इवॉल्व पैकेट कोर, और ये हमारा EUTRAN, ये हमारा LTE UE। तो इस तरह से ये आर्किटेक्चर आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से नेटवर्क एलिमेंट्स हैं, उनके ये इंटरफेसेस तो आपको याद होने ही होने चाहिए, और सबके फंक्शनिंग पता होने चाहिए, MME का क्या काम है, HSS का क्या काम है, PCRF का क्या काम है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रैकिंग एरिया कंसेप्ट। अब देखिए ट्रैकिंग एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है LTE के अंदर। अब मैंने आपको एक एग्जांपल से इसे समझाया है आपको। सपोज जो आपका UE है, आप ये फर्स्ट देखिए, UE बिलोंग्स टू ट्रैकिंग एरिया 1, 3 एंड TA1, TA3 एंड TA4। अब UE जब भी इसके बीच में मूव करेगा TA1, TA2 और TA3, यहाँ पे TA1, TA2 और TA3, इनके बीच में जब भी मूव करेगा तो उसे ट्रैकिंग एरिया अपडेट भेजने की जरूरत नहीं है कि वो कहाँ पे है, उसकी लोकेशन हमारे जो ई नोड भी है उसे पता होगी। अब जो ये ट्रैकिंग एरिया होता है ना, इसकी लिस्ट एक यहाँ मेंटेन होती है MME के अंदर। तो इसमें आप देखिए TA लिस्ट 1 में TA1, TA2 और TA3 है, तो जब भी UE इसके बीच में मूव करता रहेगा TA1, TA2 और TA3 के बीच में, तो उसे बार बार सिग्नलिंग ट्रैकिंग एरिया अपडेट भेजने की कोई जरूरत नहीं है हमारे ई नोड भी को, ठीक है। अब देखिए अगर UE मूव हो रहा है, ठीक है, सपोज हमारा TA1 में ये डिवाइस है, ये UE है, और ये मूव होकर TA4 में चला गया। अब जो हमारी TA लिस्ट 1 थी उसमें देखिए TA4 तो है नहीं, तो ये क्या करेगा, ट्रैकिंग एरिया अपडेट भेजेगा। तो ट्रैकिंग एरिया अपडेट भेजने के बाद जो हमारे ई नोड भी है वो भेजेगा MME को कि भैया TA अपडेट हो रहा है, ट्रैकिंग एरिया अपडेट हो रहा है, तो MME ट्रैकिंग एरिया कंफर्म कर देगा और एक और लिस्ट जनरेट करेगा TA लिस्ट 2। उसके अंदर आप देखिए ये 1 को हटा देगा और 2, 3, 4 को ये डाल देगा, जो भी इसकी कवरेज है उसमें डाल देगा। तो इसके बेस पे ट्रैकिंग एरिया अपडेट होता है, ये ट्रैकिंग एरिया कंसेप्ट है। जैसे सपोज आपको एक एरिया मिल गया कि अगर आप उसके बीच में मूव कर रहे हो, सपोज एक ई नोड भी से आप कनेक्टेड हो और आप मूव कर रहे हो किसी लोकेशन में, वहां बहुत सारी ई नोड भी और भी हैं, तो वो आपको ट्रैकिंग एरिया अपडेट भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि TA लिस्ट के अंदर वो ट्रैकिंग एरिया सारे कवर है, TA1, TA2, TA3, मतलब कुछ रीजन्स डिफाइन करे हुए हैं ऑपरेटर ने कि TA1 के अंदर हमने 4 ई नोड भी डाल दी, TA2 के अंदर 4 डाल दी, TA3 के अंदर 4 डाल दी। अगर आप उसमें मूव कर रहे हो तो MME को बार बार ई नोड भी नहीं बताएगा कि ये UE कौन है, क्योंकि उसे पता है। लेकिन जैसे ही आप इन ट्रैकिंग एरिया से किसी बाहर गए, TA4 में चले गए, तब ये बताएगा ई नोड भी MME को कि बॉस यहाँ पे ट्रैकिंग एरिया चेंज हो रहा है, ये बंदा मूव कर रहा है, तो आप ये TA लिस्ट, ये आप TA अपडेट कंफर्म MME से आ जाएगा और वो TA लिस्ट अपडेट कर देगा। तो ये होता है ट्रैकिंग एरिया का कंसेप्ट। तो इसके अंदर सिग्नलिंग यूज होती है, ट्रैकिंग एरिया के मैसेजेस होते हैं वो जाते हैं हमारे, जो ये आते हैं NAS के अंदर में, तो आपको इसके मैसेजेस देखने हैं तो आप NAS के अंदर देख सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन में पूछा जाता है एक्सप्लेन UE प्रोटोकॉल स्टैक इन डिटेल। अब देखिए ये सारी लेयर्स हैं, इसके ऊपर हम काफी डिस्कशन कर भी चुके हैं, लेकिन मैं एक जगह डाल रहा हूँ इन क्वेश्चंस को। ये 6 क्वेश्चंस हो गए, 5 की जगह मैंने 5 बोले थे इंटरव्यू से, इस वीडियो स्टार्ट होने से पहले, तो ये 6 क्वेश्चन है, ये नेमिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। अब देखिए इसके अंदर फिजिकल लेयर मैक, RLC, RRC और NAS। अब देखिए इन्होंने इस डायग्राम के अंदर बहुत अच्छे दिखाया गया है, जैसे NAS के अंदर सेशन मैनेजमेंट होता है, मोबिलिटी मैनेजमेंट और NAS सिक्योरिटी। RRC के अंदर सिस्टम इंफॉर्मेशन एक्विजिशन, सेल सिलेक्शन, पेजिंग रिसेप्शन, कनेक्टेड मोड, मोबिलिटी मेजरमेंट, रिपोर्टिंग, रेडियो बेरर मैनेजमेंट, RRC कनेक्शन और एक्सेस स्ट्रेटम सिक्योरिटी। अब देखिए NAS की अलग सिक्योरिटी होती है, RRC की अलग सिक्योरिटी है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि
एलटी के अंदर कितने टाइप की सिक्योरिटी होती है? तो आपको, आप बताओगे टू टाइप की सिक्योरिटी होती है, एक नेस लेवल पे, एक आरआरसी लेवल पे। और इधर इधर है हमारा एप्लीकेशन आईपी। अब देखिए, अगर आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करें तो ये वाला पार्ट जो है राइट वाला, ये यूजर प्लेन हो गया, और ये वाला हो गया कंट्रोल प्लेन, जो ये वाला पार्ट है जिसमें नेस, आरआरसी, पीडीसीपी, आरएलसी, मैग, ये सारी ये आ गई। इसको हम बोल दिया हमने कंट्रोल प्लेन, और इधर वाले को बोल दिया हमने यूजर प्लेन। अब देखिए, पीडीसीपी के अंदर इंटीग्रिटी होती है, सिफरिंग होती है, आरओएचसी रॉबस्ट हेडर कंप्रेशन होता है, और आरएलसी के अंदर तीन मोड होते हैं, टीएम, एएम और यूएम, ट्रांसपेरेंट मोड, एक्नॉलेज मोड और अनएक्नॉलेज मोड। मैक के अंदर रेडियो एक्सेस कंट्रोल, हार्ड कंट्रोल और फिजिकल लेयर ये। अब देखिए, जो आरआरसी लेयर होती है ना, वो एक तरह से कंट्रोलिंग लेयर होती है, जो कि जो लोअर लेयर्स होती हैं जैसे कि पीडीसीपी, आरएलसी, मैक, इनको कंट्रोल करके रखती है, और फिजिकल। तो आरआरसी बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है, ये आपको पता होनी चाहिए। अगर ये मैंने आपको 5-6 क्वेश्चन बताए विद आंसर्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और इस तरह के वीडियो आपके साथ शेयर करता रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।